तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भाई बंधु सुजय स्नेक सेवर। आप देख रहे हैं सुजय स्नेक सेवर यूट्यूब चैनल। ये जो देखिए, इधर लाइए कैमरा को, यह है बिंदा, क्या नाम है आपका पूरा? वृंदावन मुर्मू। इनके सूचना पर हम आए हुए हैं। की जगह का नाम दादा? दहीवाड़ी कुमार बस्ती। दहीवाड़ी कुमार बस्ती। और ये फॉरेस्ट के लिए काम करते हैं, कहीं अगर पेड़ पौधा अगर कट रहा है तो उसको पकड़ते हैं, और बहुत अच्छा काम करते हैं अपने एरिया में। तो चलिए आइए, अब सांप को निकाल। लोगों के सूचना पर अगर कहीं सांप कोई दिक्कत में है, या फिर सांप के वजह से कोई आदमी दिक्कत में है, तभी हम लोग सांप को रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं। और घड़ी में करीबन बज रहा है अभी 8:30, और 8:30 बजे हम आ चुके हैं घर से करीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी में। एक सांप भैया लोग कहीं यहीं पर देखे हुए हैं, और घर की कोई महिला बोल रहे हैं सांप को अभी पैर दे दे, सांप के ऊपर ना। तो चलिए दोस्तों आइए, इस सांप को अब रेस्क्यू किया जाए। कौन सा सांप है, ना आपको मालूम है ना हमें मालूम है। और यहाँ पर सांप घुसा हुआ है, थोड़ा सा लाइट बढ़ा लीजिएगा आप। फट जाइए, फट जाइए, सामने भागने का उसको मौका नहीं है। कहाँ भागते, भाग के कहाँ कैमरा सामने? ये एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, तो अभी दिखाई नहीं मिल रहा है कैमरा में, हमें दिखाई मिल चुका है। तो दोस्तों क्या होता है, देखिए हर एक समय ये जो काम है, हर एक समय इसमें कभी भी कोई भी समय खतरा तो बना रहता है। तो आप लोग इसमें सपोर्ट करते हैं हमें, ये बहुत बड़ा बात है। और ऐसा कहीं पर अगर सांप दिखाई मिलता है, कोई भी जीव जंतु दिखाई मिलता है, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है इसे बचाने का, ना कि इसे मारने का। मारिए मत, क्योंकि हम लोग फ्री सेवा देते हैं लोगों को सांप को रेस्क्यू करने के लिए और सांप को बचाने के लिए। कोई भी एनिमल हो, उसे हम लोग का प्रयास रहता है कैसे बचाएं। दोस्तों इसी को नाग, इसी को स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जानते हैं। इसको पकड़िए। दोस्तों जहाँ इंसान रहता है वहाँ सांप रहता है, और जहाँ सांप रहता है वहाँ पर देखिए दोस्तों, जहाँ इंसान रहता है वहाँ पर चूहा रहता है, सॉरी जहाँ इंसान रहता है वहाँ चूहा, और जहाँ चूहा रहता है वहाँ पर सांप का आना जाना लाजमी। थोड़ा सा चुप रहिएगा, थोड़ा सा चुप, साइलेंट। ठीक है, देखिए क्या होता है इसके ऊपर। देखिए भैया लोग अभी जैसे हमको बोले, इसके ऊपर एक महिला का, एक हमारी दीदी का भी पैर इसके ऊपर गिर जाता, और इसके काटने के बाद बस समय मिलता है 40 से 50 मिनट। तो आपको उसी में सरकारी सदर अस्पताल की ओर भागना है, और ना ही कोई तंत्र मंत्र, कोई झाड़ फूक के चक्कर में ना रहें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा, हमारे लिए नहीं। क्योंकि दोस्तों इसके काटने पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, एडे यदि केटे नहीं तो बेसिक कुछ होगा ना, बस मानुस मारा जाए। इसके काटने पर ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस ये दुनिया से आप चले जाइएगा। इसलिए हमारा नकल मत कीजिए, क्योंकि नकल में भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। ये हमारा अनुभव के ऊपर हम सांप पकड़ते हैं, तो वैसे आप लोग अनुभव के ऊपर सांप पकड़ना है तो पहले ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद कोई सांप को टच कीजिए, क्योंकि ये नॉन वेनमस नहीं है, ये न्यूरोटॉक्सिन वाला सबसे जहरीला सांप, जिसे हम लोग इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, कहीं कहीं नाजा नाजा, तो जहां 29 स्टेट है, 29 स्टेट में किसी नाम से भी इसे पुकारा जा सकता है। इसे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोस्तों सांप बचाना हमारा काम है, और हमारे से ज्यादा आप लोग सांप को बचाते हैं। कैसे, वीडियो को शेयर करते हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं और सांप को बचा रहे हैं। तो आप लोग एक काम कीजिए, एक तरफ हो जाइए, हम सांप को बीच में ले चले जाते हैं। चलो बाहर करो, बाहर बाहर, चलो इधर चले जाओ तुम। बैल चलो दूर, चलो पीछे, और कितना खड़ा होइएगा नाग, नाग महाराज, बस इतना ही ठीक है। ये हाइट आपके लिए बहुत ज्यादा है, और बहुत कोई कहते हैं हम लोग सांपों को परेशान करते हैं, तो ऐसा बात नहीं है, हम लोग सांपों को परेशान नहीं करते हैं। वीडियो चैनल देखता हूं मैं। डबल गोला कौन है, कौन सा वीडियो कैमरा बैठा है?
चलो नहीं है चलना खेलें देखिए इसी को सांप के नाम से जानते हैं क्योंकि सांप हमारे पर्यावरण बंधु है भैया का शुक्र गुजार करते हैं शुक्र गुजार मानते हैं सांप को मारा नहीं हमको बुला करिए सांप को रेस्क्यू करा दिए पकड़ाया नहीं रेस्क्यू करवाया और जो हमारी दीदी है वो क्या बोल रही है सांप को मारिएगा मत तो हम लोग सांप को बचाने के लिए काम करते हैं कहीं भी अगर आपके घर में ऐसा सांप दिखाई मिल जाए तो आप लोग हमें कॉल करके बुला सकते हैं आप पकड़िए क्या थोड़ा सा भी डर नहीं है हमारे सामने बार बार आ जा रहा है तो दोस्तों हम पकड़ते हैं सांप से भी दूरी बनाइए सांप से तो दूरी बनाइए और ज्यादा आप हमसे दूरी बनाइए क्योंकि अभी हम खतरा है आपके लिए ये सांप को अगर चाहे तो हम छोड़ सकते हैं छोड़ के अगर किसी को काट लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा अभी गर्म मजाक में तो थोड़ा सा पीछे से लीजिए पूरा एरिया कैप्चर कीजिए आप लोग हट जाइएगा उसको थोड़ा जाने दीजिए भैया मेरा बैग में टोपी निकाल दीजिए थोड़ा सा लाइट बढ़ा लीजिएगा बाहर दिखा दीजिए जाना लोग खड़ा भैया चिंता मत कीजिए सब दिखा दिखाओ चिंता मत कीजिए चिल्लाइए मत ये काम में हर एक सेकंड हर एक समय रिक्स है मजाक का चीज नहीं है अरे गोलवा आज के डेट में सांप डरेगा नहीं है चुप रहिए थोड़ा सा एक मिनट के लिए नहीं काटने नहीं देंगे हम चिंता मत कीजिए आज के डेट में सांप जहरीला नहीं है इंसान जहरीला है तो इंसान से बचिए देखिए कोई भी अगर अच्छा कोई काम करता है तो उसके पीछे सैकड़ों आदमी लग जाते हैं वो काम को गिराने के लिए आइए सामने आइए नीचे से लेकर आइए और दुधिया खरीस आप लोग क्या कीजिए क्या कहिएगा दुधिया खरीस हाँ दुधिया खरीस जो कह सकते हैं देखिए गांव में इसे दुधिया खरीस के नाम से जानते हैं नाग के नाम से जानते हैं तो जब तक इसके ऊपर पैर नहीं गिरता है तब तक कोई सांप आपको दौड़ा के नहीं काटेगा क्योंकि सांप का नेचर है क्या हमेशा भागने का भागने की फिराक में रहता है की बोलना दादा बिंदा भैया ये आप पकड़ लीजिए चलिए हमारा अंकल का भी बात रख लेते हैं इसे बाहर की ओर ले चलते औरत लोग हैं थोड़ा देखिएगा काली का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो बहुत बढ़िया होगा लाखों करोड़ों आदमी देखेगा आपको इसीलिए बोल रहे हैं बहुत का कहते हैं हम मुंडी को हिलाते हैं क्योंकि इसे कंट्रोल में करने के लिए कभी भी काट सकता है दोस्तों कुदरत का बनाया हुआ नासिल तोहफा इसे ही हम लोग सांप रेप्टाइल के नाम से जानते हैं अगर कहीं भी कोई जानवर कोई रेप्टाइल कोई सांप दिक्कत में दिखाई मिलता है तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं चाहे रात के 12 बजे चाहे 2 बजे हम लोग आके सांप को सुरक्षित रेस्क्यू करके उसे किसी वीक फॉरेस्ट में रिलीज करने का एक अभियान चलाए हुए हैं रिलीज कर देंगे जाके मारेंगे नहीं और इसे मारना भी नहीं चाहिए क्योंकि इको वायलेंस सिस्टम खत्म होने स्टार्ट होता है कहाँ गया बिंदा भैया आइए इधर आइए सर ये पीछे आइए देखिए सांप को मारना एक कानूनी अपराध है 1972 के खिलाफ एक दंडनीय अपराध है क्योंकि दोस्तों अगर सांप को मारते हुए आप पकड़ा जाते हैं कोई गाज को काटते हुए आप पकड़ा जाते हैं 25,000 जुर्माना सुन लीजिएगा 25,000 जुर्माना और 6 साल का सजा आपको भुगतना पड़ेगा और नहीं तो फिर खाली 25,000 और नहीं तो फिर खाली 6 साल का सजा तो क्या अब आप चाहिएगा 6 साल का सजा या फिर 25,000 जुर्माना तो मार सकते हैं सांपों को और कोई भी एनिमल को तो दोस्तों चलिए इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर मिलता हूँ अगर हमारे चैनल में आप नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में बेल बटन प्रेस कर लें इसी के साथ एक छोटा सा कमेंट करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जय हिंद जय भारत और हमारा प्यार भरा आप सलाम दीजिए दोस्तों देखिए जिस सांप को हमने रेस्क्यू किया वो गांव से तो वृंदावन मुर्मू ये फॉरेस्ट से ही है फॉरेस्ट के लिए काम करता जैसे आपको हमने बताया
गाछ वगैरह अगर कोई काट रहा है तो उसे पकड़ता है और उसे हाँ जंगली जानवर अगर कहीं गिरा हुआ रहता है। देखिए सांप घर में घुसा हुआ था, आपने टच नहीं किए, पकड़ने नहीं जानते हैं तो टच भी नहीं किए हैं। हमें सुजय स्नेक सेवर को तुरंत सूचना दिया और सूचना के आधार पर हम आए भैया के सामने, सांप को रेस्क्यू किए सावधानीपूर्वक किए और इसे सावधानीपूर्वक फॉरेस्ट वाले के सामने रिलीज कर रहे हैं। आइए तो देखिए जंगल ही जंगल, इधर आइए कैमरामैन थोड़ा सामने से दिखाइएगा। दिखाइए लीजिए सामने से लीजिए। घर जा रहा चले जाने दीजिए, वो अपना चला गया। तो चलिए दोस्तों आप आइए इधर आ जाइए। तो चलिए दोस्तों देखें किस प्रकार से हम लोग सांपों को रिलीज करते हैं। क्या किए हम, सांप को रिलीज किए या फिर पकड़ लिए? नहीं छोड़ दें, ये बहुत जंगली इलाका है, यहाँ पर कोई आदमी, यहाँ आदमी का आना माना है, ये आप बात सुन के रखिए, आदमी का आना माना है। अगर सांप के ऊपर पैर गिर जाए तभी आपको सांप काटता है, और लोगों के घर में अगर सांप घुस जाए तो लोग मार डालते हैं, हम लोग उसमें सांप को बचाने के लिए काम करते हैं। इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में बेल बटन प्रेस कर ले। जय हिंद जय भारत।